आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है सेकंड पार्ट, पाकिस्तानी स्कूल्स विजिट किए थे मुसाफिर गफ्फार ने, तो देखते हैं। लेकिन पहले टाइटल पूछे मौसम से। टाइटल है फुल एंटरटेनमेंट विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक, शेयर और फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक, शेयर और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Everybody from out of the India, most of the Indians thought that Pakistan is a terrorist. I am from India. So much. बच्ची ने बोल दिया 1 मिलियन करा दो भाई। तो सा होन करवाना है। हाँ, होन करवाना है। सर, आपके आने से हमें एक फायदा हो गया, जो हम अभी टेस्ट दे रहे थे ना वो हमारा कैंसिल हो गया। अभी भाई साहब मैं हायर सेक्शंस में आ गया हूँ। ये सर मेरे साथ जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। तो अब्दुल वाहिद सर हैं मेरे साथ। यह है जी 7th ऑरेंज, ये है 7th रेड। आई हैव परमिशन फॉर दैट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Absolutely fine. Yes. So which class is going on? Science. Science. Very good. So this is 7th class. Yes. You guess from where I am? I am not from Pakistan. Yes. So I am from India. Oh. Would you believe that I am from India? No. Yes. I swear I am from India. Yes. मैं इंडिया से ही हूँ। आप लोग मारेंगे तो नहीं ना मुझे? No. पक्का? We are brothers. Okay, very good, happy. We are brothers. मैं इंडिया से हूँ, वहाँ से आया हूँ घूमने के लिए पाकिस्तान में, आप लोगों से बातें करने के लिए। पहले श्रीलंका था, श्रीलंका से आया हूँ यहाँ पे आप लोगों का स्कूल्स देखने, आपका कल्चर देखने, कैसे पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, वो सब। ठीक है। तो अभी आपका टेस्ट चल रहा था क्या? How are the schools in India? Yeah, very nice. Schools are very nice. Like you have very good schools. India is also having very good schools there. Good education. All are good there. Your school is also very good. I liked your school. Anybody else? I want to say something. Okay. Everybody from out of the India, most of the Indians thought that Pakistan is a terrorist. He Pakistan like is don't accept Pakistan. They said kill Pakistan and don't like Pakistan. So I want to said comes Pakistan and we will give you so much love. अरे वाह, clap for this baby यार। अरे वाह, क्या बड़ी बात बोल दी बच्चे ने यार। बच्चे ने बोला कि इंडिया से या बाहर से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन हम लोग वेलकम करते हैं यहाँ पे सभी लोगों का। आके यहाँ पे देखें कि कैसा है पाकिस्तान, जैसा वो लोग सोच रहे वैसा पाकिस्तान नहीं है। सुपर सुपर। India is like our neighbor house and I like Indians because they are very sweet and I request them to please be friendly with myself and our country. Seriously goosebumps आ जाते हैं ये बच्चों की बात सुन के। ये बच्चे ने भी पता क्या बोला, India is our neighboring country. तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशन हो जाएं और हमारा आना जाना है जो अच्छे तरीके से हो जाए। और ये मैं भी कहता हूँ कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं और आना जाना अच्छे तरीके से हो जाए, हम लोग अपने परिवार से मिल सकें। सीरियसली मुझे गूज़बम्प आए आपकी बात सुन के और आपकी बात भी सुन के। हम चाहते हैं कि हम जाएँ इंडिया विज़िट करें, लेकिन इंडिया समझते हम टेररिस्ट हैं, इंडिया में वीज़ा ही नहीं देता, इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सकता हमें। होप आप हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं और वीज़ा मिले, ये बच्चों को भी इंडिया जाए घूमने। अच्छा लगता है ना, आना जाना अच्छा लगता है। इंडिया और पाकिस्तान में मैंने आके यहाँ पे फील किया कुछ भी फ़र्क नहीं है, वैसे ही लोग हैं। There was a cricket world cup in India and they didn't allow anyone to come and enjoy the sport cricket. Yes. We need to say that we are no enemies until you think we are. Okay. If they are doing anything on Kashmir, there are rumors or it is true, but we are neighbors and we should have to be super. No enemies. So हम लोगों को दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों की बातें सुनो यार, क्या अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करेंगे। इनमें से कोई भी बच्चा इंडिया से नफरत नहीं करता है, ये सब दोस्ती चाहते हैं, ऐसा ही है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे के ज़ुबान से ही देखो मेरे बूस बंक पर आगे के हम रिलेशन की वजह से इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं भी चाहता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोग भी दुआ करें कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए, आना जाना हमारा अच्छे तरीके से रहे। और इंडिया में सबसे पहले जब पाकिस्तानी बना था, इंडिया सारे इकट्ठे थे और हमारे ग्रैंड फादर्स उनके फादर्स सारे इकट्ठे रहते थे, तब तो उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी, वो सारे इकट्ठे रहते थे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंडिया में पाकिस्तान सेम ही है, बस सब कुछ सेम है, लैंग्वेज सेम है, वहाँ पे बस वहाँ पे क्या नाम है, कुछ पीपल्स हैं जो पाकिस्तान का बुरा समझते हैं, पाकिस्तान में कुछ पीपल हैं जो इंडिया का बुरा समझते हैं। हम सारे सेम हैं, वी आर ब्रदर्स। क्लैप है। मैं बहुत खुश हूँ आप बच्चों को देख के, आप बच्चों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं और आना जाना अच्छे तरीके से। वेलकम यू टू पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। यू ऑल आर वेलकमिंग मी हियर? यस। ओके, सब बच्चे मुझे वेलकम कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं और फिर मैं चलता हूँ। आप बच्चों की व्हाट इज़ योर स्कूल फी, ट्यूशन फी पर मंथ? इट्स अबाउट 7000। इट्स अबाउट 7000। 7000 to 6000. It's fine. You are okay with this fee, right? Yes, yes. And your admission fee? Admission fee 20000. I don't know. I think that when we took admission in almost 2011 or 2013 or 14 was close to 20 to 25000. But now I think it is 50. You are happy with your teachers? Yes. Yes. And I'm happy, very happy after seeing you guys. सही बात है। बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ओके, बाय बाय। स्कूल भाई साहब इतना बड़ा है कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ के सर है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये सर अपनी बाइक पे मुझे लेके जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर ने कहा कि बाइक पे ले जाएंगे। वैसे चल चल के या तो मैं भूल सकता हूँ या तो थक सकता हूँ, इसलिए भाई साहब अब ये मुझे पेपर्स दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। तो भाई साहब ये है गर्ल्स सेक्शन। अभी आपको मैंने प्राइमरी सेक्शन दिखाई, बॉयज सेक्शन दिखाई, और अभी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है गर्ल्स सेक्शन का। एक लेसन की भी विजिट करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। तो अभी गर्ल्स सेक्शन में आकर मैम से मैंने परमिशन ली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर इन चार्ज ऑफ हियर? यस, आई एम इन चार्ज ऑफ गर्ल्स कॉलेज। ओके, योर गुड नेम? Mrs. Naimzri. Okay, so this school is up to which class? Up to FSC, second year. Six to second year. Okay, ma'am. Thank you for the permission. I'll take just 10 minutes, not more than 10 minutes. Okay. I'll talk to the students. Sure. Sure. Thank you. ये है भाई पूरा का पूरा गर्ल्स सेक्शन। लेकिन यहाँ पे बाहर ग्राउंड पे एक्टिविटीज भी होती हैं, बच्चे वगैरह खेलते भी हैं। क्या अच्छा यार, हम क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये वॉल्स पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स पेंटिंग दिखेगी। स्ट्रक्चर जैसे बने हुए ना, 2 फ्लोर्स हैं इसके, एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो ये है टीचर्स जो कि मुझे क्लास में लेने आए हैं। Pink. Thank you. May I come in, ma'am? Good afternoon. Assalamu alaikum. How are you all? Fine, sir. Are you all good? Yes, sir. Absolutely. Yes, sir. Okay. So, which class is going on right now? English. English? Yes, class test. You know from where I am? No. How many among you are saying that I am from England? England? Yeah. Yes. Absolutely wrong. How many among you are saying from Pakistan? बची मेरे काके के पास। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया। मैं पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं हूँ। कनाडा, हाउ मेनी आर सेइंग फ्रॉम कनाडा? यस, टोटली रॉन्ग। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू टेल। आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे जिस कंट्री से मैं आया हूँ उस कंट्री का बंदा आपकी क्लास में आकर आप लोगों से ऐसे बात करेगा, आप कभी नहीं सोच पाएंगे। मैं बताने जा रहा हूँ बहुत सारे गेस हो गए, आप कभी गेस भी नहीं कर पाएंगे वो। ओके, मैं आपके रिएक्शंस देखना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया। यस, बिलीव मी, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई डोंट लाई, आई स्वेयर दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। नहीं, मैं ऑफिशियली आया हूँ, ऑफिशियली एंट्री करी है, मेरे पास वीजा है, सब कुछ। तो मैं वैसे आया हूँ। बच्चे बिल्कुल शॉक हो गए जब मैंने इंडिया का नाम लिया, और अभी भी इनको यकीन नहीं हो रहा है कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, कैसे आए। आई कैन शो यू माई वीज़ा, आई कैन शो यू माई पासपोर्ट। सो मैं ऑफिशियली एंटर किया मैंने पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान के, यस आई टेल एवरीथिंग। सो अब आपको यकीन करना चाहिए कि मैं इंडिया से आया हूँ। आप कर लें बिलीव, मैं बोल रहा हूँ। Abdul Gaffar is my name. Sir, your name is beautiful. Okay, thank you so much. Thank you so much. Sir, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मुझे आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम थोड़ी सी और बातें करते हैं, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। What comes in your mind when you think about India? First of all, I want to say that India is beautiful. Okay. Yeah. India is beautiful. Okay. I would love to go to India. You would love to go to India. Anybody else? Thank you. Taj Mahal is there. I love Indian dishes and Indian fast foods. They are like वो काफी tasty लगते हैं और मुझे इंडिया जाने का like बहुत दिल करता है। हाँ. Okay. Very good. Anybody? Sir, India is a very beautiful country. Okay. Thank you. I love India because there are so many beautiful dishes and so many beautiful places, so I would love to go India too. Okay, so you all want to go India? Yes! Okay, close your bags and come with me. India is also special thing because it has the festivals and tea dishes also so yummy and adults food. Okay. Chalo, thank you. So India is a lot like Pakistan. I love all of the Indian dishes and it's very beautiful. सबको खाने काफी पसंद है। बच्चे बहुत प्यारे हैं मैम। जो फ्रंट वाले बच्चे होते हैं सारे पढ़ाकू बच्चे होते हैं और listen my experiences और शरीफ होते हैं जो फ्रंट डेस्क पे होते हैं और जो सबसे लास्ट पे होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और बदमाश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दीज ऑल आर नोटोरियस? नो, दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर ऑल वेरी गुड इन कम्युनिकेशन और वेरी कॉन्फिडेंट। दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट। सर, हमारी सीट रोज रोटेट होती है, अभी कल मैं लास्ट पे थी तो आज फर्स्ट पे और आप सेकंड पे जा रहे हैं। अच्छा, रोटेशन होती है आप लोगों की। इट्स गुड रोटेशन, इसलिए कोई भी बदमाश यार पकड़ा नहीं जाता है। पंजाबी, या आई कैन स्पीक पंजाबी फ्लुएंटली। असी पंजाबी च टुर भी सकते हैं, पंजाबी च रोटी भी खा सकते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग पंजाबी। ओके, लिसन लड़कियों को देखा कैसे। ओके, लिसन प्लीज। I want some activities from you students. Yes sir. Any activity like your group singing, like any activity, your talent, whatever you have here, any talented student here, so I want see. Okay, show me. Wow, nice. Good, superb. Just like you. This. You are like butterfly. You are very chalak, bro. आपके आने से हमें एक फायदा हो गया, जो हम अभी टेस्ट दे रहे थे ना वो हमारा कैंसिल हो गया। yes, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा ये बाग हमेशा महके। सदर मोहतरम, कराची में जनाब पूंजा के घर में जन्म लेने वाले इस बच्चे ने मुसलमानों की तकदीर बदल दी। इसके लोहे ने हर लोहे को काटा। ये एक फर्द नहीं बल्कि एक कौम था। इस्लाम इसका वकार और ईमान इसका करार था। पाकिस्तान इसकी मंजिल और दो कौमी नजरिया इसका साहिल था। इस मर्द मुझ कर दिया कि अब अंधेरों का तसल्लुत है यहाँ, रोशनी बनकर गुजरना चाहिए। थैंक यू सो मच क्लिप फॉर हर। वी आर द कायरियंस, वी आर द कायरियंस, वी आर द कैन यू विल सी, लुक अप एंड यू विल सी, एट द कायरियंस, एट द कायरियंस। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। महंगाई सर, इंडिया में लाइक इतनी महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में थिंग्स आर वेरी चीप, थिंग्स आर वेरी चीपर इन इंडिया, चीप इन इंडिया देन पाकिस्तान। बट यू कैन होप लाइक आपका पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से, अच्छी गवर्नमेंट बन जाए और आपका पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से हो, ठीक हो जाए। या आई टेल एनी अदर क्वेश्चन। दिस इज़ माई 8th कंट्री। केन्या, इथियोपिया, इजिप्ट, सोमालीलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाउ पाकिस्तान। या डूइंग समथिंग any wait any question from this row sir what's your channel name I'll write there kuch subscriber to chahiye na mujhe aapka koi question this question any question from this line country kaun si achhi lagi ha sri lanka bahut beautiful hai bahut acche hai acche log hain sab acha hai wahan pe sir india mein na pakistan se zyada varieties ke food hai to aapko india mein kaun sa like sabse favorite hai mera afghani chicken bahut favorite hai india mein bhi milta hai में से स्ट्रीट फूड आई डोंट लाइक दिस पानी पूरी एंड ऑल दैट आई डोंट लाइक स्ट्रीट आई एम अ हेल्दी हेल्थ क्या बोलते हैं उसको आई लव टू बी अ हेल्दी गाय सो आई डोंट लाइक दिस ऑयली थिंग्स ओके सर आप इंडिया के फेस्टिवल एंजॉय करते हैं यस और पाकिस्तान के फेस्टिवल एंजॉय करते हैं हाँ सब करते हैं पाकिस्तान में तो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया मैंने आपकी रो खत्म हो गई है सर हमने कोई विजिट किया हुआ है फेस्टिवल नहीं सर मेरा भी और मेरी मम्मा ने कहा था जब 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे ना तो हम एक केक काटेंगे और आज हमने केक काटना है। कितने सब्सक्राइबर हुए? 50। क्या नाम है चैनल का? नवार क्वीन। ओके जी नवार कवीन राइट नवार कवीन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 50 से 500 सब्सक्राइबर ज़रूर बनाएं ओके अब मैं 1000 लेता हूँ प्रमोशन का प्रमोशन करनी है ना हो गई है 1000 चाहिए चलो थैंक यू स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर मेरा 1 मंथ का वीज़ा था 5 दिन हो गए 25 डेज़ रह गए उसके बाद मैं निकल जाऊँगा थैंक यू सो मच थैंक यू बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे मुश्किल हो रहा था बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे और जब मैंने इंडिया का नाम लिया और बहुत शौक हो गए बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया बच्चों ने बहुत अच्छा लगा मुझे आके बेबी मुझे बाहर कहाँ से जाना है मुझे कहाँ से बाहर जाना है यस यही एग्ज़िट मैं उधर जा रहा था तो ये है जनाब गर्ल्स कैंपस ओके Sir, we'll go to 1 million for you. Oh, thank you. Request all Pakistanis to subscribe to Gaffar Mustafa channel and reach Gaffar Musafir. Gaffar Mustafir channel and reach him to 1 million as soon as possible. Oh, thank you so much. बच्ची ने बोल दिया 1 मिलियन करा दो भाई. तो सा होम करवाना है. हाँ, होम करवाना है. सर, आपके में कितने मिलियंस हैं? 100K. तो ये है भाई गर्ल्स कैंपस. बहुत अच्छा लगा बच्चियों से मिलकर, उनसे बात करके. बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं. ये है, अभी छुट्टी का टाइम हो गया. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. हमेशा से शौक था कि किसी ब्लॉगर से मिल गए ना, शौक. ओके, अभी ये बच्चों को छुट्टी हो गई. हाय बाय. यहाँ से इंडिया से आया. हाँ, इंडिया से आया हूँ. आपको किसने बताया? ओके, आप रिकॉर्डिंग आ रहे हैं? यस, मैं ट्रैवलर. थैंक यू. अब मैंने जूनियर स्कूल हो गया है, सीनियर भी हो गया, बॉयज़ का आपका भी हो गया. तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, अपने घर की तरफ जा रहा हूँ. मेरे भाई आए हुए हैं. तो आपकी कार वहाँ पे है? हाँ, उस साइड पे हमारी कार. जाऊँ मैं? इंडिया में ना ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं और मैं हमेशा इंडियन यूट्यूबर्स की देख के वीडियोस. ओके, आप आए ना, मुझे इंडियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. अभी मैं अपने घर जाऊँगा. भाई मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे. बच्चे कितने एक्साइटेड हैं ना यार, है मेरे पीछे पीछे भागते आ रहे हैं. रुक जाओ यहाँ पे, मेरे पीछे भागते भागते आ रहे हैं और मेरे साथ बातें भी कर रहे हैं. हमारी क्लास की जिस लड़की का आपने चैनल में प्रमोट किया, वो खुशी से उछल रही है, हर बंदे को बता रही है. चलो अच्छा हो गया ना. ओके, बाय 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 बाय. ओके, टेल हिना ब्लैक पिंक एंड बी. ये बच्चों का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. दोबारा बोलिए. हिना हिना एंड सफा बी. ओके, ऑल द बेस्ट. बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. जब उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, बिलीव ही नहीं कर रहे थे. सब कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, इंडिया का नाम ही नहीं ले रहे थे. और अभी मेरे पीछे पीछे भागते आ रहे हैं. जितना जितना मैं आगे जा रहा हूँ, उतना उतना भागते आ रहे हैं. बच्चों ने बैग भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पकड़े होते हैं. छोटे छोटे बच्चे बैग चाहे भारी भी हो तो मज़े से उठा के लेके जाते हैं. ये सर से परमिशन लिया था मैंने. हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर हैं यहाँ पे. सर, थैंक्स कहना चाहूँगा मैं आपको, आपने परमिशन दिया मुझे और आपके बच्चों से इंटरेक्ट किया. मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से. यू आर वेलकम एंड वी लाइक टू टॉक टू यू एंड आवर स्टूडेंट्स. दे वर वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड स्कूल. इट इज़ अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन हुआ आपसे और हमें खुशी हुई आपसे मिलकर. बहुत अच्छा लगा सर मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जनाब, हमारा कायदे-ए-आज़म स्कूल का सफ़र है जो यहाँ पे ख़त्म होता है. बहुत मज़ा आया. ये है हमारा शेर बैठा हुआ है. पहले तो शौक हो गया हमें देख के. आपको क्या हो गया था अर्श? डर क्यों गए थे? तो आज मैंने आपको पाकिस्तान के स्कूल का विजिट करवाया, उनका फी वगैरह सब कुछ बताया मैंने आपको. टीचर्स कैसे क्लास लेते हैं, बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जब मैं उनको बता रहा था कि मैं इंडिया का था. बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे थे. पहले तो यकीन ही नहीं कर रहे थे वो, फिर भी अच्छा लगा. और बच्चों ने जो बातें करी वो दिल को छू रही थी, गूस बम्प्स दे रही थी. बस यही कहूँगा, फाइनली इट वाज वेरी गुड स्कूल. और मैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो से मिलता हूँ. तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें. और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं. उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों. भाई एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ भी आप कह सकते हैं, एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है आप कह सकते हैं. जैसे गफ्फार भाई जो है वो बच्चों की क्लास में गए, तो बच्चों ने पूरी दुनिया जहाँ के मुल्क जो है वो गैस कर लिए, लेकिन एंड पर इंडिया जो है वो गैस नहीं कर सके. उन्हें बताना पड़ा. और अनफॉर्चुनेट मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई नेबर कंट्री है और हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में आ जा नहीं सकते. आप जो है वो हमसाये के घर जा सकते हैं. हाँ. लेकिन हमसाये के घर नहीं जा सकते. देखिए कितना हमारे लिए एक ये मिसफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन सॉरी अनफॉर्चुनेट चीज़ है. बट आई वुड से कि इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग व्लॉग, क्योंकि जो एक्साइटमेंट हम लोगों को नज़र आई वो बहुत मुझे अच्छा लगा. बच्चे वर वेरी एक्साइटेड। और इवन के चाहे हम गर्ल्स सेक्शन की बात करें या बॉयज़ सेक्शन की बात करें, खैर यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन जो है वो जीत गई है, क्योंकि गर्ल्स यू नो ज़्यादा से वो होती हैं, मैं कहती हूँ बटरफ्लाई। देखिए लड़कों ने अमन का पैगाम दिया है। लड़कियाँ हमेशा मैं कहती हूँ कि बटरफ्लाईज होती हैं, वो जहाँ जाती हैं ना वो रंग बिखेर देती हैं। लड़के जो होते हैं ना, अभी देखो नहीं काफ़ी सारे एक्साइटेड थे बीच में और वो क्वेश्चन भी पूछ रहे, और लड़कियाँ पता क्या होती हैं, नहीं अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन, जाने नहीं देना। तो उन्होंने कहा भी ना कि अब उनको जाना। लड़कियाँ वो कहते हैं लड़कियाँ पीछा नहीं जल्दी छोड़ती, तो देखिए आपको ब्लॉग में भी जो है नजर आ रहा है लड़के जो पीछा छुड़वा कर भाग जाते हैं ना, इस वजह से। ठीक है, खैर मैं अभी सिर्फ इस पर स्टिक करना चाहती हूँ। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी और वो ये मुझे सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये लगती है कि जो एक मिसकम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि अब बच्चे दे आर इनोसेंट, बट जो उनकी यू नो बातों में भी एक आप कह लो कि आपको यू नो उनकी एक ओपिनियन सुनने को मिली अबाउट देयर नेबरिंग कंट्री, जिसमें ये था कि लाइक इंडिया जो है वो वीज़ा नहीं देता, लेकिन और उसके साथ ये है कि वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोचता। लेकिन बीच में कुछ लोगों के जो आंसर थे वो बड़े बैलेंस थे। जैसे एक बच्चे ने ये बात बोली कि कुछ लोग उस साइड से सही नहीं है, कुछ लोग इस साइड से सही नहीं है, लेकिन ये है कि लोग जो एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और जब यू नो बच्चे एक्सप्लोर करेंगे और लॉजिकली सोचेंगे और उनके सामने फैक्ट्स आएंगे, तो शायद वो इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो चीज़ें हैं या जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और एक्चुअल में क्या होता है। यार बेसिकली आप देखा जाए ना, फिर वही बात आ जाती है कि कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो सोशल मीडिया ना उसने कम्युनिकेशन गैप काफ़ी हद तक ख़त्म भी किया, ख़त्म कर दिया, नो डाउट बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म कर दिया। लेकिन स्टिल जो है कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखें ना, तो अगर एक चीज़ ऐसी है ना जिसमें अच्छा अच्छा बताया हुआ है उसको लोग कम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड ऐसी चीज़ें ना जिसमें आपको वो थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा सा इस तरह मिर्च मसाला लगा के बताया गया, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि भाई कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो अभी भी है। हाँ, लोगों के लिए आसानियाँ हो, जैसे लोग इधर से उधर जाके विज़िट करना चाहते हैं, उधर से इधर आके विज़िट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है एक परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बदलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हम लाहौर में बैठ के किसी दूसरे शहर में हम गए भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के हमने दो तीन लोगों के किस्से सुन लिए हैं ना, हमारी परसेप्शन ही वही बन जाएगी कि भाई फलाने शहर में लोग ही ऐसे रहते हैं। लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी? जब हम उस शहर को विज़िट करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो हमें फिर पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लोग किस तरह के हैं। बट आई थिंक मौसम एक और चीज़ भी होनी चाहिए कि ना हमें और ज़्यादा रियलिस्टिक होना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। हाँ, क्योंकि एक जनरेशन ऐसी है अभी भी पाकिस्तान में जो काफ़ी स्टबर्न है, वो आपको फ्लेक्सिबल नज़र नहीं आती, और उनके जो ओपिनियंस हैं या जो उनके थॉट्स हैं वो आगे जैसे भी अब यू नो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनको फिर भी काफ़ी हद तक काउंटर करते हैं। क्योंकि जो पिछली जनरेशन है वो अपने बड़ों को बिल्कुल भी काउंटर नहीं करती थी कि नहीं आपकी ये सोच सही नहीं है या इस तरीके से, मतलब तमीज़ के दायरे में रहकर मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपने बड़ों को, ठीक है अगर आप उनकी ओपिनियन आप दोनों की मैच नहीं करती, लेकिन आपकी खुद की भी लॉजिकल एक थॉट होनी चाहिए कि भाई दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर हमारा कंट्री जो है वो सही तरीके से चीज़ों रिलेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेरी ना हमेशा एक सोच रही है कि आपको ना सबसे पहले अपने घर को जो है ना वो बेहतर करना चाहिए, अपने घर को साफ़ करना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरों की तरफ जाना चाहिए। बट हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने घर को नहीं साफ़ करते, हम हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम जो है वो गिनवाते रहते हैं और ख़ुद हम मस्कीन बन जाते हैं कि भाई हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और मुझे सीरियसली पाकिस्तानी लीडर्स की ये सोच अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो लीडर्स की सोच होती है वो लोगों में भी आती है, वो लोगों को उसी तरीके से फिर मैनिपुलेट करते हैं। और अभी तो ये बहुत यंग बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि आई जस्ट प्रे एंड होप कि आने वाले टाइम में जब ये लोग बड़े हों तो इनकी सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि ओपन हो और वो लॉजिकली सोचें हर चीज़ के बारे में फैक्ट्स की बेस पर। अच्छा, मैं थोड़ा बैक से स्टार्ट करना चाहूँगा जहाँ पे आपने बड़ों की बात की। तो मैं वैसे सारे बड़ों को नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ बड़े जो हैं वो बहुत लॉजिकल जो है वो चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं बड़ों में एक चीज़ देखता हूँ कि भाई वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ हमने कह दी है ना वो एक तरह की पत्थर पर लकीर है, यानी कि वही जो है वो सच है, इसके अलावा और जो है ना आप इधर उधर जो है वो नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आ जाता है वो चीज़ कि भाई वो स्टबन है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ बड़े ऐसे भी हैं जो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उन शायद टाइम के साथ चीज़ों को रियलाइज़ किया और वो उन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें इस तरह नहीं इस तरह जो है हुई थी। हाँ, स्कूलों की अगर बात करूँ या जो आपने लीडर्स की बात की है तो नो डाउट भाई ये चीज़ जो है ना वो बहुत इम्पेक्ट करती है बच्चों के ब्रेन पर, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चे जो है ना उनके दिमाग जो है वो खुल रहे होते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हुए हैं, बच्चे जो है वो खुद भी जाकर इंटरनेट पे सर्च कर करके देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें। क्योंकि अभी जैसे हमने वीडियो देखी तो काफ़ी बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन जो है ना फिर वही पाकिस्तानियों को ना फूड फेस्टिवल लेकिन पाकिस्तानी को मैंने देखा है कि उन्हें ज़्यादा जो है नॉर्थ इंडिया का ही आइडिया है। जैसे बीच में बच्चों ने आगरा की बात की, वड़ा पाव की भी बात ही थी, वड़ा पाव यार, लेकिन क्या नाम लेते वो एक्सट्रीम साउथ वाली साइड का जो है ना लोगों को आइडिया नहीं है। या जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एथनिसिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, बोलूंगी कि शायद इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो इंडिया में पाई जाती है बच्चों को उसका भी इतना आइडिया नहीं। हाँ बिल्कुल, जो है वो हम अगर अपनी बात करें तो हमें यही लगता था कि भाई जैसे आपको नॉर्थ में और साउथ में लोग देखने को मिलते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी जो है ना वैसे देखने को मिलते होंगे। लेकिन जब हमने वीडियो बनाई तो भाई हमें जो है वहाँ का पता चला कि नहीं भाई वहाँ पे भी डिफरेंट आपको ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के, डिफरेंट कल्चर के बिल्कुल लोग जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब जाना शुरू करते हैं ना तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज मिलती है। बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि ना ये फिर भी मुझे अच्छा लगा है कि लाइक बच्चों को जितनी भी नॉलेज है, स्पेशली गर्ल्स सेक्शन में मुझे लगा कि बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे लगा ये बजरंगी भाईजान भी देखी हुई है। हाँ। उनके आंसर से मुझे लगा जब बच्चे ने कहा था कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। हाँ। सो इवन के जैसे एक बच्ची बाद में भी आई और यू नो वो गफ़ार भाई को फॉलो करते हुए बच्चियाँ आ रही थी और कि हम लोग इंडियन यूट्यूबर्स को देखते हैं तो मीडिया जो सोशल मीडिया स्पेशली इसने मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो हाँ वो बेहतर कर दी हुई हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ ज़्यादा मैं बोलूँगी I don't know, but मुझे ना फैकल्टी नो डाउट दे वर वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन मुझे कल्टियस नहीं लगे यार। लाइक एक होता ना सेमी गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल प्राइवेट अगर स्कूल होता तो फिर आपको जो है एक डिफरेंट तरह की फैसिलिटी देखने को मिलती। बोलूंगी नो डाउट ये चेंज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था स्कूल का और स्कूल भी बहुत अच्छा था अनडाउटेडली, बट स्टिल मुझे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है और उसका कारण सिर्फ यही है कि प्राइवेट सेक्टर में ना आपको फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा होती है और आप बहुत ही रवायती चीज़ों के साथ मुंसलिक नहीं होते। मुंसलिक मतलब कि आपका ताल्लुक सिर्फ रवायती चीज़ों से नहीं होता, उसमें आप मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है ना बाहर की दुनिया के बारे में भी जानते हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा कलरफुल सा लगता है प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। बाकी आप ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्या और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या ज़रूर बताइएगा। मतलब जो वर्क एथिक्स हैं उनमें और जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इससे ज़्यादा में डालना वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।